आज मैं यहाँ पे चंडीगढ़ मोहाली में हूँ और यहाँ पे इतना ये ड्रेनिंग सिस्टम इतना बेकार है कि आप देख सकते हैं पूरे रोड हेड में पानी ही पानी है, पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है, गाड़ियाँ पानी में डूब चुकी हैं। ये देखिए हम रॉन्ग साइड में अभी चल रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, आई एम ड्राइविंग राइट नाउ एंड पानी ही पानी है। सभी ने अपने घर को इतना बड़ा बना दिया, मतलब इतना अच्छी सोसाइटी बना ली, लेकिन ड्रेनिंग सिस्टम के ऊपर आज तक काम नहीं हो पाया, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता है अभी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज 9th of July 2023 है और मंडी कुल्लू हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िलों के नाम हैं ये, जहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ है, जो आई थिंक हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को और इन सभी को एक मीटिंग करनी चाहिए, जो इसके बिहाफ में कुछ एक्शंस लें, जो हमारी इकोनॉमी को, हमारी नुकसान हमें कम हो, उसके रेपरकशंस हमें कम देखने पड़े। तो थोड़ा इसके ऊपर हमारी सोसाइटीज को काम करना चाहिए और हमारे मिनिस्टर्स को, हमारी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, वो स्टेट मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो। मुझे लगता है इसके ऊपर काम ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये हम डिग्रेडेशन की तरफ रन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये 2023 हम जैसे ये ईयर देख रहे हैं, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री, सो वी हैव टू वर्क ऑन आर एवरीथिंग, बिकॉज एज वी आर फ्रॉम northern part of India basically, so I'm focusing on my place because it's important to be mature for everything. अगर ये ऐसा रहेगा तो ये हमें काफ़ी गलत इम्पैक्ट देता है, so look into this matter sir and I hope आप सही डिसीजन ले सकते हैं। अगर ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचेगी तो प्लीज़ डेफिनेटली ये एक रिक्वेस्ट है, एज अ स्टूडेंट मैं आपको कह रहा हूँ, और ये मेरी लोग इंडिया की ये पूछना चाहेंगे और मे भी आप कह सकते हैं कि ये एक आवाज़ है जो मैं अपनी तरफ से अपने देश की जनता के लिए उठा रहा हूँ, कि इसके ऊपर अगर काम होगा तभी हमें हम अपनी ग्रोथ को देख पाएंगे, क्योंकि अगर जब भी ऐसा नुकसान होगा तो हम कभी लोगों को, एनिमल्स को, हमारे जो नुकसान, हम जो भी बिल्डिंग्स, शॉप्स, वट एवर वी आर मेकिंग, ये सबको नुकसान डालेगा, तो आई थिंक वो पैसा कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट दें, इसलिए आई थिंक वी हैव टू वर्क ऑन दैट, तभी हम अपनी सोसाइटीज़ को और अपनी चीज़ों को सही रास्ते में दिखा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।